हेलो। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शी सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। माई सेल्फ रिनू गहलोत। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो भी 3D के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। अब एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में आप सभी लोग मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट, यस और नो, मतलब मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, वीडियो पूरा क्लियर दिख रहा है, ऑडियो वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या तो नहीं है। एक बार चैट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट, यस और नो। वेरी गुड इवनिंग, रमेश ने बोल दिया है ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले जो भी बच्चा चैनल के ऊपर नया है, जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलरली आप सभी लोगों को मिलते रहें। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में फ्रेंड्स में क्लास को आपको शेयर करना है। अब पूरे साल भर पढ़कर हम लोग, मतलब हम लोग अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, पूरे साल भर हम लोग 100 out of 100 की तैयारी करने वाले हैं। तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, रीसेंट इन्फॉर्मेशन है, एसएल से जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट अपडेट, रीसेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, वो सारे नोटिफिकेशन आपको हमारे इन तीनों चैनल्स पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इन तीनों ही चैनल्स पे आपको एसएल से जुड़े हुए रीसेंट अपडेट, इम्पॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जिसने भी ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है, जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा है फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अब बात आ रही है कि मैम ज्वाइन कैसे करेंगे, तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे उसमें इन तीनों के लिंक डाले हुए हैं, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड देन ज्वाइन कीजिए। अब इन तीनों में से भी टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है, ठीक है, आप सभी लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल होना ही चाहिए। बात करते हैं हमारी एप्लीकेशन की। ये है हमारी एप्लीकेशन आशीष सिंह लेक्चर्स नाम से। ये एप्लीकेशन पे आपको क्लासरूम पीडीएफ, कलर एडिटर, नोट्स, प्रैक्टिस शीट, बहुत सारा आप सब कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो जिसने भी डाउनलोड नहीं कर रखा है फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है। वहीं अगर किसी बच्चे को कोई बैच परचेस करना है, किसी बैच के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहे हैं, नहीं तो बोर्ड पे आप देखो आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, 1, 2, 3। इन तीनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी कॉलिंग टीम सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। अब फटाफट चैट सेक्शन में एक बार सभी लोग हैशटैग जिद का टाइप कर दो, फिर बिना किसी देरी के अपन प्रारंभ करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। चलो जी, हर एक टॉपिक को अपन डिटेल में कवर अप करते हुए चल रहे हैं ताकि अपन को कोई भी दिक्कत ना आए। करो स्टार्ट। हाँ जी, चलो जी स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर दी तो सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन हर एक ऑर्गन्स के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा अब तक, अपन ने पढ़ा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किससे मिलके बना हुआ होता है, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसा सेक्स ऑर्गन है जो गैमेट का, नर युग्मक का फॉर्मेशन करता है और हार्मोन का स्रवण करता है। कौन सा हार्मोन? सेक्स हार्मोन का स्रवण करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है आपका? टेस्टिस, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। फिर आते हैं आपके द्वितीयक जनन अंग जो लैंगिक जनन में हेल्प करते हैं, जैसे कि नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, ये क्या करती है ट्रांसफर करने में, बने तो स्पर्म कहाँ पर है, वृषण में, अब उस वृषण को ट्रांसफर करने में, स्थानांतरित करने में कौन मदद करती है? सहायक नलिका। अब स्पर्म को पोषण कौन प्रदान करता है? न्यूट्रिशन स्टोर वगैरह का फंक्शन कौन करता है? ग्रंथियां। मतलब द्वितीयक जनन अंग सहायता करते हैं, ठीक है, और वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन तीनों में से अपन ने क्या बात करनी है, जो आपके द्वितीयक जनन अंग है इसमें अपन ने सहायक नलिकाओं के बारे में डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था, आज अपन ने बात करनी है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, वो भी शिशन और वृषण कोश, ठीक है। मैं आपको एक बार 3D में बताना चाहूंगी कि अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है दैट इज पेनिस, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, है ना। देखो ये जो आपका पेनिस है, ये इस पेनिस की बात करने वाले हैं आज अपन, ठीक है। तो इस पेनिस की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ये कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये कार्पोरा कैवर्नोसा, तो अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं, और ये आपका यूरेथ्रा आ गया, ठीक है। अब इसे अपन यूरेथ्रा नहीं बोलेंगे, यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि इसी मार्ग से यूरिन आएगा, इसी मार्ग से क्या आएगा, इसी मार्ग से यूरिन आएंगे और इसी मार्ग से वीर्य आएगा। तो अब अपन किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, शिशन की, ठीक है। करो स्टार्ट, हाँ जी। पहली बात तो मैं एक ही बात आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि अगर आप चैट में बातें करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है ना। चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगी, उसके बाद ही मैं आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगी, है ना। पहले मैं आपको प्रीवियस थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगी ताकि आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में कवर अप हो जाए। सबसे बाहर की तरफ ये आपका वृषण कोश नहीं बना रही हूं मैं, वृषण बना रही हूं, वृषण की तीनों लेयर्स भी नहीं बना रही हूं मैं, ठीक है। ये आपका वृषण, वृषण के अंदर आपको क्या मिलते हैं, वृषण कोश देखने को मिलते हैं। तो एक वृषण में 250 वृषण कोश होते हैं, चलो अपन बना ही लेते हैं, फिर कुछ बच्चे हैं तो उनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका वृषण कोश और ये रहा वृषण, इस वृषण के अंदर आपको वृषण पाली मिल रही है और वृषण पाली में अति कुंडलित 1-3 शुक्रजन नलिका मिल रही है। मैं जो बोल रही हूं ना, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, क्या बोला मैंने, वृषण कहां पर होता है, 10 मिनट में मैं आपको रिकॉल करवा रही हूं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सपोर्टिव डक्ट और सपोर्टिव ग्लैंड्स, एंड देन मैं आपको एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे बाहर ये वृषण कोश, ये वृषण, वृषण के अंदर वृषण पालियां और वृषण पाली के अंदर क्या है, शुक्रजन नलिका। अब इन शुक्रजन नलिकाओं से जो पतली पतली नलिका निकलती है, जिसको अपन ने क्या बोला, ट्यूबुला रेक्टा बोला, इनसे आपकी पतली पतली नलिकाएं निकलती है, जिसको आपने
ट्यूबुलर एक्टा बोला। ये ट्यूबुलर एक्टा नलिकाओं का एक जाल बनाती है, जिसे आपने क्या बोला है? रेटे टेस्टिस बोला है। इस रेटे टेस्टिस से आपकी नलिकाएं निकलती है, जिसे आपने शुक्रजन नलिका बोला है। ये शुक्रजन नलिका आगे जाकर एक कुंडली संरचना बनाती है। ये शुक्रजन नलिका आगे जाकर कुंडली संरचना बनाती है, जिसे अधिवृषण बोला। और ये अधिवृषण आगे जाकर शुक्र वाहक में खुलता है। रसन कोश, रसन पाली, शुक्रजन नलिका, ट्यूबुला रेक्टा, ये रेटे टेस्टिस, प्रसरण जालिका, ये आपका अधिव्रसन, और शुक्रवाहक, शुक्रवाहक। इस रेटे टेस्टिस को ही अपन ने प्रसरण जालिका बोला है। ये तो आपकी शुक्रवाहिनी है, शुक्र वाहिनी। तो क्या देखा हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा कि भाई वृषण कोश के अंदर वृषण है, एक वृषण में वृषण पालियां हैं, वृषण पाली में शुक्रजन नलिका है, और शुक्रजन नलिकाओं से पतली पतली नलिका निकलती है, जिसे ट्यूबुला रेक्टा बोला। ये ट्यूबुला रेक्टा नलिकाओं का एक जाल बनाती है, जिसे रेटे टेस्टिस बोला, वृषण जालिका बोला। इस वृषण जालिका से फिर नलिकाएं निकलती है, जिसे अपन ने शुक्रवाहिनी बोला। ये शुक्रवाहिनी जाकर आगे जाकर एक अत्यधिक कुंडली संरचना बनाती है, जिसे अधिवृषण बोला। ये अधिवृषण आगे जाके शुक्रवाहक बनाती है। अब ये शुक्रवाहक मूत्राशय के चारों तरफ लूप बनाएगा। आ जाओ इधर। अब ये आ रहा है आपका शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक लूप बनाता हुआ आएगा। ठीक है, तो ये शुक्रवाहक लूप बनाता हुआ आया। अब इस शुक्रवाहक को आगे क्या मिलेगा? आपको शुक्रवाही वो सेमिनल वेसाइकल मिलेगी। ये शुक्रवाहक और सेमिनल वेसाइकल की नलिका मिलके आपस में क्या बनाएंगे? स्खलन नलिका। और ये स्खलन नलिका इस मूत्र मार्ग में खुल जाएगी, और ये मूत्र मार्ग आगे जाकर लंबा हो जाएगा। कितना लंबा होता है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एक ग्रंथि मिलती है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि बोला। दो छोटी ग्रंथियाँ मिलती है, जिसे आपने क्या बोला? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोला। ये आपका जनन पथ हो गया, है ना? तो यहां पर ये क्या आ गया? शुक्रवाहक, ये शुक्राशय है। शुक्राशय और शुक्रवाहक की नलिका मिलकर स्खलन नलिका। ये स्खलन नलिका आगे इसमें खुलेगी मूत्राशय में, तो अब इसको अपन बोलेंगे जनन मूत्र मार्ग। ठीक है, और इस मूत्र मार्ग के तीन भाग है। सबसे ऊपर प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। झिल्ली में यूरेथ्रा,
और इसको बोला कि फिनाइल यूरिथ्रा। अब अपन बात करेंगे, देखो बेटा ये यूरिथ्रा अपन ने पढ़ लिया है, इस यूरिथ्रा के चारों तरफ ये जो बॉडी है इसको अपन ने पेनिस बोला है। इस पेनिस की अपन बात करेंगे, इस यूरिथ्रा के चारों तरफ जो बॉडी है इस बॉडी को अपन ने पेनिस बोला है। अब अपन इस पेनिस की बात करेंगे, लाइक अगर आप आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखेंगे तो उस डायग्राम में भी यही है कि वृषण से शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक मूत्राशय के चारों तरफ लूप बनाता हुआ जाता है, स्खलन नली शुक्राशय की नलिका के साथ मिलकर स्खलन नलिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, और ये जो बॉडी है इस बॉडी के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है शिशन जो होता है, शिशन जो होता है नर मैथुनांग अंग है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब नर का वह अंग जो मैथुन की क्रिया में भाग लेता है। पेनिस क्या होता है? पेनिस। शिशन क्या होता है? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, मेल मैथुनांग होता है, मतलब कि नर का वह अंग जो मैथुन की क्रिया में भाग लेता है। इसका कार्य क्या होता है? वीर्य सेचन, वीर्य सेचन करता है, जिसे अपन इंग्लिश में इंसेमिनेशन भी बोलते हैं, इंसेमिनेशन। तो शिशन क्या करता है? इंसेमिनेशन करता है, मतलब वीर्य को, वीर्य क्या होता है? शुक्राणु प्लस सहायक ग्रंथियों का स्त्रवण, दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं आपके? शुक्राणु वीर्य कहलाता है, सीमन कहलाता है। तो जो आपका शिशन होता है, सबसे पहली बात तो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, नर का मैथुन अंग है जो मैथुन क्रिया में भाग लेता है। इसका कार्य क्या है? इंसेमिनेशन, मतलब नर के शरीर से शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का काम करता है। ठीक है, शुक्राणुओं को क्या करता है? शुक्राणुओं को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर या फिर स्थानांतरण करने का काम करता है। कौन करता है ये काम आपका? वही अगर अपन इस देखो, अब देखो अगर अपन इस डायग्राम को देखें, अगर इस सिशन को अपन ऐसे काटते हैं जैसे कि अपन ने इसका ऐसा टीएस काटा, इसका टीएस काटेंगे और अपन ऊपर से देखेंगे तो अपन को बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो जब हम इसकी संरचना को देखते हैं, अब एक और पॉइंट लिखो, इसमें आपकी कोई भी बोन नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपकी बोन नहीं होती है, ओनली मसल्स मिलती है इसमें, ओनली मसल्स मिलती हैं। उस मसल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल। अब ध्यान से सुनो, ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनी होती है। अब ध्यान से सुनो, जब मैथुन की क्रिया होती है उस समय इस शिशन के अंदर जो रक्त वाहिनी है उन रक्त वाहिनी में रक्त भर जाता है, जिससे जो शिशन होता है उसका इरेक्शन हो जाता है। शिशन का क्या हो जाता है? इरेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब अपन ने इसकी टीएस काटी, जब अपन उसकी टीएस काटेंगे तो अपन को क्या दिखाई देगा? उसमें अपन को दो तरह की मसल्स देखने को मिलेगी। ऊपर जो मसल है उसको अपन बोलेंगे कार्पोरा स्पॉन्जियसम, नीचे जो मसल है उसको अपन ने बोला कार्पोरा कैवर्नोसा, और यहां पर आपका यूरेथ्रा रहेगा। तो ध्यान से सुनो, पृष्ठ भाग में, पृष्ठ भाग में क्या होता है? दो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है, और नीचे की तरफ ये आपका अधर भाग में क्या होता है? एक
कारपोरा कैवर्नोसा होता क्या होता है? कारपोरा कैवर्नोसा होता है। लाइक अपन बात करते हैं वापस 3D डायग्राम के थ्रू। 3D डायग्राम में अपन देखेंगे तो ये क्या है आपका? ये आपका मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। मैंने बोला इसकी अपन ने TS काटी तो ऊपर की तरफ, लाइक इसको अगर अपन ने TS काटा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? दो पृष्ठ भाग में मसल्स देखने को मिलेगी जिसे कार्पोरा स्पॉन्जियसम बोला है, तो सॉरी कार्पोरा कैवर्नोसा बोला है, इसको करेक्ट करो। कैवर्नोसा ठीक है, ऊपर वाली को कैवर्नोसा बोला है, नीचे वाली को स्पॉन्जियोसम बोला है। ठीक है देखो, तो ये क्या है आपका? कार्पोरा कैवर्नोसा ठीक है, दो होते हैं ये, और ये नीचे वाला है कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। वापस देखो, नीचे वाला कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, इसके ऊपर वाला कार्पोरा कैवर्नोसा। कार्पोरा स्पॉन्जियोसम जो है, कार्पोरा कैवर्नोसा दो होते हैं, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम एक होते हैं। अब इसका जो आगे वाला भाग होता है उसे अपन बोलते हैं ग्लास पेनिस शिशन मुंड। क्या बोलते हैं? ग्लास पेनिस शिशन मुंड। सॉरी ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? इनमें ब्लड वेसल्स होती है, इन मसल्स होती है, बस इसमें बोन होती नहीं है, और इसमें भर भर की बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। जब मैथुन की क्रिया होती है तो इन ब्लड वेसल में ब्लड फिल हो जाता है, जिसके कारण मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस जो है इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये इरेक्ट करके किसमें हेल्प करता है? ताकि क्या हो, कॉपुलेशन का प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाए। फिर देखो इस शिशन का जो अग्र भाग है, शिशन का अग्र भाग है उसे अपन क्या बोलते हैं? शिशन मुंड। शिशन मुंड बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। देखो ये जो शिशन का ये आगे वाला भाग है इसको बोला है शिशन मुंड। इस शिशन मुंड के ऊपर पतली सी स्किन के फोल्ड्स होते हैं, पतली सी स्किन होती है ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? फोर स्किन अग्रच्छद बोलते हैं। ठीक है, तो शिशन के शीर्ष भाग को अपन ने शिशन मुंड बोला। क्या हो गया? हाँ जी, क्या हुआ बेटा? ठीक है, शिशन नहीं है, शिशन है ठीक है। ठीक है, इंसेमिनेशन को वीर्य सेचन कहते हैं। हाँ जी, चलो आगे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो आई विल रिपीट। ठीक है, परेशान मत हो, मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, क्या बताया मैंने? मैंने बताया जो शिशन होता है नर के अंदर मैथुन मैथुनांग होता है, मतलब ऐसा अंग जो मैथुन की क्रिया में हेल्प करता है। ठीक है, फिर इसका कार्य क्या होता है? नर के शरीर से शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करना। इसके अंदर कोई भी बोन्स नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मसल्स मिलती है इसके अंदर, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स मिलती है। जब मैथुन की क्रिया होती है तो, मैथुन की क्रिया मतलब संभोग की क्रिया, जब मैथुन की क्रिया होती है तो इन ब्लड वेसल में ब्लड भर जाता है, जिससे कि जो पेनिस है वह इरेक्ट हो जाता है। जब हम उसकी ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, लाइक आपका कुछ इस तरह से होता है पेनिस, है ना,
ऐसा होता है तो अपन ने इसको ऐसे काटा तो अपन को ऐसी संरचना दिखाई देती है। पृष्ठ भाग में दो मसल्स होती है, कार्पोरस कैवर्नोसा दो होती है, नीचे वाले भाग में एक मसल्स होती है कार्पोरस स्पॉन्जियोसम। इस कार्पोरस स्पॉन्जियोसम में आपका यूरेथ्रा होता है, ठीक है, इसी से आपका यूरेथ्रा निकलता है। शिश्न के आगे वाले भाग को अपन ने शिश्न मुंड बोला है और यहां पर त्वचा के फोल्ड होते हैं जिसे अपन फोर स्किन कहते हैं, अग्रच्छद कहते हैं, ठीक है। देखो अब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पुरुष का बाह्य जनन अंग है, मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, ठीक है। विशेष प्रकार के उत्तकों का बना है, ध्यान से सुनो, ये जो शिश्न है, पेनिस है, विशेष प्रकार की उत्तकों का बना है। शिश्न के उर्ध्वन या फिर उठान, इरेक्शन, इरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, उठान बोलते हैं। तो मैथुन की क्रिया के समय इस शिश्न में जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड भर जाता है, जिससे शिश्न में उठान हो जाता है और जो मैथुन की क्रिया को एक तरह से सुगम बनाता है ताकि मैथुन की क्रिया इजीली परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो यही लिखा है कि विशेष प्रकार के उत्तकों का बना है, शिश्न में उठान में सहायता प्रदान कर वीर्य सेचन इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। वीर्य सेचन क्या है, नर के शरीर से वीर्य को मादा के शरीर में, मादा की योनि में स्थानांतरित करना। नेक्स्ट पॉइंट, शिशम का अंतिम वर्धित भाग, शिशम का जो टिप होता है उसको अपन ने क्या बोला है, शिशन मुंड ग्लांस पेनिस। तो पेनिस का टिप क्या होता है, ग्लांस पेनिस होता है, जिसके ऊपर ढीली ढीली त्वचा का फोल्ड होता है जिसे अपन ने बोला फोर स्किन। अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें इस फोर स्किन को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। पेशियों एवं रुधिर कोटरको में होती है, ये तीन मोटे अनुदैर्ध्य डोडी रज्जुओं के समान रूप में होते हैं, मतलब इसमें तीन मसल्स होती हैं। सबसे पहले कार्पोरा कैवर्नोसा दो होती है, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम एक होती है। फिर पृष्ठ भाग में ऐसी दो संरचनाएं होती है जिसे कार्पोरा कैवर्नोसा बोला जाता है, अदर भाग में एक कार्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है। अभी वाला भी पॉइंट जनरली आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि देखो सामान्य अवस्था में, नॉर्मल कंडीशन में, मतलब जब मैथुन की क्रिया नहीं होती है, ध्यान से सुनेंगे, सामान्य अवस्था में, नॉर्मल स्टेज में जब मैथुन की क्रिया नहीं होती है तो सामान्य अवस्था में शिश्न आपका शिथिलित एवं छोटा होता है। तो नॉर्मल स्टेज में जब मैथुन की क्रिया नहीं है तो शिश्न कैसा है, छोटा है, शिथिलित होता है। मैथुन उत्तेजना के समय, जैसे ही मैथुन क्रिया की उत्तेजना होती है, मैथुन क्रिया प्रारंभ होती है, रुधिर कोटरों में रुधिर भर जाता है, मतलब जो कार्पोरा कैवर्नोसा है, कार्पोरा स्पॉन्जियसम है, उसमें जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड भर जाएगा तथा शिश्न लंबा, मोटा और कड़ा हो जाएगा, ठीक है, इरेक्ट हो जाएगा। मतलब इस अवस्था में शिश्न मुंड नग्न हो जाता है, मतलब जो आपका ग्लांस पेनिस के ऊपर फोर स्किन है वो हट जाती है, ठीक है। ग्लांस पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन है वो हट जाती है और यह स्त्री की योनि में आसानी से प्रविष्ट कराया जा सकता है। अतः मैथुन क्रिया में सुगमता पूर्वक शुक्राणुओं को वीर्य के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है। यह आपके मेल कोपुलेटरी ऑर्गन का फंक्शन होता है। बताओ, तो ये है आपका मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। अगर कोई सम चीज समझ में नहीं आई है तो बताइए। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो देखो बेटा, अगर कुछ पॉइंट्स छूटते हैं तो उनको छोड़ दो, बाद में आप कवर अप कर लेना। मैं स्क्रीनशॉट का टाइम इसीलिए देती हूँ ताकि आप बाद में उसको अच्छे से कवर कर लो।
आपकी कौन से बोर्ड से हो आप? नहीं, शिशन मुंड को कॉर्पोरा स्पॉन्जिसम नहीं बोलते हैं। देखो बेटा, शिशन के अंदर सिर्फ आपको मसल्स मिलती है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया, शिशन के अंदर, इस शिशन में सिर्फ और सिर्फ, एक सेकेंड, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं। ये आपका शिशन है, ध्यान से सुनो, ये पूरी संरचना है ना आपकी, ये पूरी संरचना शिशन है। इस शिशन के अंदर आपका यूरेथ्रा भी जा रहा है, तो इस पूरी संरचना को अपन ने बोला है शिशन। इस पूरी संरचना में कोई भी बोन नहीं है, इसमें सिर्फ मसल्स मिल रही है। उन मसल्स का नाम है दो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम और एक कार्पो सॉरी दो कार्पोरा कैवर्नोसा और एक का एक स्पॉन्ज एक कार्पोरा स्पॉन्जियोसम नाम की दो तीन मसल्स मिलती है। मतलब इस पूरे सेशन में आपको सिर्फ मसल्स देखने को मिलेगी, वो भी तीन, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम और कार्पोरा कैवर्नोसा। अब इस पूरे सेशन का जो शीर्ष वाला भाग है, टिप वाला भाग है, उसे अपन ने शिशन मुंड बोला है, शिशन मुंड या फिर ग्लांस पेनिस। इस शिशन मुंड पे आपको पतली स्किन के फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, उसे फोर स्किन बोला है। तो यही बोला है कि जब मैथुन की क्रिया होती है तो इस पेनिस के अंदर जो मसल्स है उसमें जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड भर जाता है, जिससे ये इरेक्ट हो जाता है, और शिशन मुंड के आगे जो फोर स्किन होती है वो हट जाती है। ठीक है, और ये सब क्यों होता है, ताकि मैथुन की क्रिया इजीली हो सके। क्लियर? बताओ। तो इसी के साथ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब अपन कुछ बेसिक्स पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको पता होने चाहिए। सभी लोग लाइक करेंगे बेटा क्लास को, ठीक है? संभोग की क्रिया को ही मैथुन की क्रिया बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्पर्मेटोजेनेसिस। जनरली बोर्ड का पेपर में ये टर्म्स नहीं आती हैं, बट मान लो अगर आप कभी जाके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, लाइक आप CUT भी देते हो, है ना, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो वहां पर ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत लाइक 1% मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि सिर्फ ये चीजें आपको नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें इसका अर्थ क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। अगर आपको कोई बोले स्पर्मेटोजिनेसिस मतलब शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। स्पर्मिएशन, स्पर्मेशन क्या होता है? शुक्रजन नलिका से शुक्राणुओं का बाहर निकलना। स्पर्मिएशन क्या होता है? शुक्रजन नलिका से शुक्राणुओं का बाहर निकलना, ठीक है? तो शुक्राणु का शुक्रजन सॉरी नलिका से बाहर निकलना, शुक्राणुओं का शुक्रजन नलिका से बाहर निकलना। नेक्स्ट सेमिनेशन, शुक्राणु का अधिवृषण की ओर स्थानांतरण। शुक्राणुओं का अधिवृषण की ओर स्थानांतरण क्या कहलाता है? सेमिनेशन। फिर आता है इजेक्शन, स्खलन नलिका से
शुक्राणु का बाहर निकलना। नेक्स्ट आता है इंसेमिनेशन, शुक्राणु का FRT फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्थानांतरण। मतलब मैंने आपको कुछ टर्म बताई है, जनरली आपकी बोर्ड में कभी नहीं पूछी जाएगी, बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। स्पर्मेटोजिनेसिस शुक्राणु का निर्माण, स्पर्मिएशन ध्यान से सुनो, स्पर्मिएशन शुक्राणु का शुक्रजन नलिका से बाहर निकलना, सेमिनेशन शुक्राणु का अधिवृषण की ओर गति करना, इजेक्शन स्खलन नलिका से शुक्राणु का बाहर निकलना, और इनसेमिनेशन शुक्राणुओं का स्थानांतरण फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में करवाना। क्या हो गया प्रभा कुमारी? एक सेकेंड, तो आपके बोर्ड में जो एनसीईआरटी चलती है वही लेनी है आपको बेटा। देखो बेटा स्पर्म और वीर्य में क्या अंतर होता है, वापस सुन लो। जो आपका वीर्य होता है, वीर्य क्या होता है, शुक्राणु प्लस आपकी सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल मतलब शुक्राशय और काउपर ग्लैंड, ठीक है। तो सहायक ग्रंथियों के स्त्रवण को मिलाकर वीर्य बोला जाता है, ठीक है। देखो बेटा शुक्राणुओं को, शुक्राणु फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैसे जाएंगे, गति करके जाएंगे, तैरते हुए जाएंगे। तो तैरने के लिए, गति करने के लिए उन्हें एक तरल माध्यम की जरूरत है, वो तरल माध्यम इस सिक्रीशन से आपको मिलता है, ठीक है। तो वीर्य में, वीर्य मतलब क्या होता है, शुक्राणु प्लस इन ग्रंथियों का स्त्रवण। तो मैथुन की क्रिया में ये वीर्य मादा के शरीर में, मादा की योनि में स्थानांतरित होता है, मतलब उस वीर्य में शुक्राणु भी है और उसके श्रवण भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई शुक्राणु कहां पर बने और कहां से कहां ट्रेवल करते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजन नलिका। तो शुक्राणु जो होते हैं शुक्रजन नलिका से ट्यूबुलर रेक्टा, ट्यूबुलर रेक्टा से वृषण जालिका, और वृषण जालिका से अधिवृष शुक्र शुक्रवाहिनी, ध्यान से सुनो। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर हुआ, शुक्रवाहिनी शुक्रजन नलिका से शुक्राणु ट्यूबुलर एक्टा में गए, ट्यूबुलर एक्टा से कहाँ गए, रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस से वास इफरेंशिया, वास इफरेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से आपका कहाँ पर जाते हैं, स्खलन नलिका, स्खलन नलिका से मूत्र मार्ग से मादा की योनि में स्थानांतरित होते हैं। अब नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट लाइक कि वृषण जो है वृषण कोश में कैसे प्रवेश करते हैं, वृषण वृषण कोश में कैसे प्रवेश करता है। तो वृषण वृषण कोश में वृषण नाल के द्वारा प्रवेश करता है जन्म के बाद में। जैसे देखो सातवें महीने के अंदर, आपको पता है वृषण जो होता है सातवें महीने में कहाँ पर प्रवेश करता है, वृषण उदर गुहा के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, वृषण सॉरी वृषण कोश में प्रवेश करता है। तो किसके द्वारा, वृषण नाल के द्वारा। बाद में ये वृषण नाल किस में परिवर्तित हो जाती है, स्पर्मेटिड कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछे, आपको अगर कोई पूछे कि भाई वृषण जो है वृषण कोश में किसके द्वारा प्रवेश करते हैं, तो वृषण नाल के द्वारा। बाद में ये वृषण नाल वृषण, आप बोल सकते हो वृषण रज्जू में स्पर्मेटिक कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है।
तो प्रत्येक वृषण कोश की गुहा, उदर गुहा में एक सकरी नाल द्वारा जुड़ी होती है जिसे वृषण नाल कहते हैं। वृषण नाल के द्वारा होकर वृषण धमनी, वृषण शिरा, वृषण तंत्रिका एवं वृषण रज्जु के रूप में वृष तक जाती है। बस बताओ। और वृषण कोश के बारे में इतना ही पढ़ना है अपन को। वृषण कोश के बारे में उसमें डार्टोज मसल्स होती है, क्रमास्टर मसल्स होती है, ठीक है। और उदर गुहा के बाद टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, इसके थ्रू प्रवेश करता है। बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। हाँ जी, बताएंगे सभी लोग। हिंदी में ही तो है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है। वृषण नाल भी लिखा है, वृषण रज्जू भी बोला है, इंग्वेनल कैनाल लिखा है, एक स्पर्मेटिड कॉर्ड लिखा है, दोनों लिखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। जब आप लोगों की डायग्राम स्पेशल क्लास होगी तो उसमें मैं आपको ये डायग्राम बनाना भी सिखा दूंगी, ताकि आप बोर्ड में डायग्राम आता है इसका एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी मंडे को अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मादा जनन तंत्र, ठीक है। अब देख लो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, क्या था वो क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन था कि शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका से होता है, तो शुक्राणु का निर्माण नर जर्म कोशिका से होता है। अगर पूछते शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप बोलते शुक्रजन नलिका में होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, अगर मैं क्वेश्चन में बोला जाता कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप बोलोगे शुक्रजन नलिका में। अब क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिका से हुआ है, तो नर जर्म कोशिका से हुआ है। क्या हो गया बेटा? स्पर्म तो शुक्राणु है, ओवरी क्या है? जैसे कि आप देखो वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण हुआ, तो प्राथमिक जनन अंग क्या है? वृषण है, उस वृषण में नर युग्मक शुक्राणु बना है, तो शुक्राणु क्या है? नर युग्मक। ओवरी क्या है? मादा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है परंतु फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, उस ओवरी में आपका एग बनेगा, मतलब फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। देखो बेटा, क्लास 6:30 बजे होती है, शुक्राणु का स्ट्रक्चर अपन जब शुक्राणु का निर्माण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। वो बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है? आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, इसको, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है।
क्लास के बाद में सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। लीडिंग कोशिका द्वारा स्रवित हार्मोन, लीडिंग कोशिका से स्रवित होने वाला हार्मोन कौन सा है? लीडिंग कोशिका को ही अपन अंतराली कोशिका बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। तो लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रवित होता है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट दोनों, थर्ड है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन में आप सभी ने देना है। ठीक है, अब बारी है स्क्रीनशॉट की, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, ये मैं आपको जस्ट रिकॉल करवाने के लिए लाई थी, ये भी और ये भी। आज के लेक्चर में अपन ने यहाँ से पढ़ा इसकी स्ट्रक्चर है, ये बेसिक्स पढ़े, ये पाथवे पढ़ा। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्लास के बाद में इसका आंसर देना है। वापस बोल रही हूँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में, फ्रेंड्स में क्लास को शेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे और पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अपन 3D के अंदर ही पढ़ेंगे। तो क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों ने, क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों ने एक तो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना है, साथ ही साथ आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।